आज वृद्ध एक तरह से असमर्थ है चारपाई पे पड़े हैं तुम उनको थप्पड़ रहे हो गालियां दे रहे हो उनके साथ राक्षसी व्यवहार कर रहे हो ये कहीं भी दान पुण्य करने धिकार तुम्हारे शरीर को जो माता पिता ने पैदा किया और उन्हीं को दंड दे रहे हो और उनकी जरूरत है तुम्हारी प्यार दुलार की तो उनको तुम कठोर वचन कर रहे हो क्योंकि अब सोच फेंकनी पड़ रही ना तेरे को और तेरे गर्भ से लेकर जब तक तो चेतना को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो गया तब तक उन्होंने सोच फेंकी सब इसलिए हम बार बार इस प्रसंग को कहते हैं हमारी समाज इतनी स्वार्थी होती चली जा रही इतनी भ्रष्ट बुद्धि होती चली जा रही सबसे पहले भगवान माता पिता है दूसरे की पूजा की मत सोचो मंदिर भले मत जाओ लेकिन वो बूढ़े जो माता पिता है उनके कपड़े धो दो, दो उनको भोजन दे दो उनके पैर छुओ और उनकी बात सुनो उनको प्यार से वो गाली दे रहे माना क्योंकि इस समय स्वभाव बिगड़ चुका उनका वृद्ध अवस्था में उनसे प्यार से बात करो उनकी सेवा में मत आज जो दुर्दशा समाज की देख रहे हैं ना बहुत बहुत ये नए बच्चे कुछ नहीं समझ रहे धर्म न भगवान न वयो वृद्ध बूढ़े को थप्पड़ों से बहु मार रहे बूढ़ी सास है थप्पड़ों से मार एक बार वामदेव जी महाराज मंडली के सहित भ्रमण कर रहे थे संत उन्होंने देखा कि एक नौजवान बूढ़े बाप को जूतों से मार रहा है जो मार के अंदर गया तो बार बैठे रो रहा था पर दुर्दशा बहुत है गए हमदेव जी और कहा कौन था जो मार रहा था बोले बड़ा बेटा था बोले जूतों से तुम्हें मार रहा तुम्हें बड़ा हमारी मंडली में चलो छोड़ो ना तो उनका तुम्हें क्या परेशानी लड़का हमारा जूते हमारे मार रहा तुम्हें क्या परेश जाओ <laughs> ये भी तो। माया भी बड़ी विचित्र है बड़ी विचित्र पर अपने को चाहिए बूढ़े माता पिता को समय से उनको भोजन दे दो उनके पैर लो उनकी अनुकूलता इस समय उनके शरीर से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे पंडरपुर में जो आज ठाकुर जी विराजमान है वो इसी बात का प्रमाण देने के लिए विराजमान है कि पुंडरीक जी ने अपने माता पिता को भगवान मानकर सेवा की तो सर्वेश्वर भगवान स्वयं आ गए दर्शन करो उन्होंने चाह नहीं है देखो और भगवान आगे कि मेरे दर्शन करो मैं आज जो पंडरपुर में ठाकुर जी विराजमान है विठल भगवान वो इसी बात का प्रतीक है बूढ़े माता पिता बिल्कुल समझ लो यदि तुमने उनका अपमान किया तो सर के बल खड़े होकर तपस्या करना फिर भी नर्क मिलेगा आज जो हमारी समाज है ये बहुत गिरती चली जा रही बच्चे बच्चियां ऐसी बदतमीजी से बात करते हैं माता पिता से कि लगता है ये पढ़े लिखे हैं विद्या का मतलब जानते हो क्या होता है विद्या विनयम ददाती विद्या विनय देती है पढ़ा लिखा व्यक्ति सभ्य भाषा बोलता है जब तुम अपने माता पिता से सभ्य नहीं हो अपने घर के बुजुर्गों गुरजनों की बात नहीं मान रहे मनमानी आचरण बच्चे बच्चिया मनमानी आचरण अगर माता पिता अंकुश करें तो और सास को भी चाहिए अगर वयो नहीं हुई हो आप पुष्ट हो तो बहू को नौकरानी ना समझे बेटी समझे जैसे अपनी बेटी से कैसे प्यार बहू से बहुत हाँ कई घरों में ऐसा भी होता है कि नई बहुओं के साथ हाँ कठोर व्यवहार नहीं है बहुत इस सबसे पहला पूजन ये है तुम्हारा घर यदि शांति और सज्जनता से युक्त है तो मंदिर है उसमें किसी न किसी महापुरुष का ऐसा पदार्पण होगा कि एक बार आकर के ही तुम्हारे सारे संस्कार बदल देंगे भगवान के जो संतजन होते ना जो ऐसे सदाचारी जन होते उनके घरों में आके बैठ के जब भिक्षा पाई अशुभ को भस्म कर दिया चरण रज पड़ी उस घर में वो तीर्थ हो गया घर अब तो हमें सबसे पहले आचरण सुधारने हैं हर उसमें हम यही प्रार्थना एक जरूर अपनी तरफ से अब करना चाहते कि वृद्ध माता पिता को भगवान का स्वरूप समझो अगर उनको दुख पहुंचाया तो तुम चाहे खोपड़ी के बल खड़े हो कर, योग नहीं जो चाहो कर लो चाहे जिस तीर्थ में जाके तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा एक कश्यप नाम के महात्मा इसमें महाभारत में भगवान व्यास देव जी ने लिखा है देखो वैराग्य लेकर गुरु परंपरा से वो एक अलग मार्ग हो गया बूढ़े माता पिता हैं उनकी अनुमति नहीं उनकी आज्ञा नहीं आप उनको छोड़ दिए चाहे कोई भी महात्मा बनाओ अपने माता पिता से अनुमति लेना जरूरी शास्त्र आज्ञा करते हैं तो वो अनुमति दे उनका आशीर्वाद तब आगे ऐसे थोड़ी कि उनका कोई अधिकार हमारे ऊपर नहीं हम निकल गए चुपचाप ऐसा नहीं कोई भी जो बड़ा महात्मा हुआ उसका चल अनुमति ली गई पैर पकड़ के अनुमति ली मेरा मनअ संसार में नहीं लगता मुझे भगवान के वो बिना कुछ अनुमति लिए और शास्त्रों का ज्ञान था तो तपस्या में संलग्न हो गए अब एक दिन वो ऐसे बैठे हुए थे तो वृक्ष के ऊपर एक बगुली आके वे ढाक दी तो ऐसे गिरी तो देखा वो भस्म हो गई रुद्र दृष्टि से मतलब क्रोध किया भस्म हो गई उनको लगा कि हम बहुत बड़े सिद्ध हो गए भाई और एक घर में गए भिक्षाम दे। तो एक बहू निकली प्रणाम हाँ महाराज अभी लाती हूं और उधर दूसरे दरवाजे से उसका पति आ गया और वो पातिव्रत धर्म से युक्त तो अपने पति का भगवान का स्वरूप मानकर बैठाला जलादि के लिए फिर कहा भगवान आपके घर में दरवाजे पे भिक्षुक खड़ा है आप आज्ञा करें तो हम भान अतिथि देवो भाव पहले उनको पहुंचाओ अब उनके पास गए तो वो थोड़ा अभिमान में थे ना कि बगुली भस्म हो गए फिर उनकी दृष्टि से उनका विलंब क्यों किया तुमका तो प्रभु हमारे पति देव आ गए थे तो तुम तो मुझे जानती नहीं हो तो तुमका जानती हो वो बगुली मत समझना पेड़ की कि का रुद्र दृष्टि से देखोगे मैं भस्म हो जाऊंगी हा वो तो घबरा गए कि ये बात तो केवल अभी जानते दूसरा जानता तब तो उन्होंने हाथ जोड़ा कहा देवी तुम ये बात कैसे जान गए तुमका तो मैं सब कुछ देख रही हूं मैं अपने पति को भगवान मानती हूँ और उसकी सेवा के प्रभाव से वर्तमान और भविष्य और भूत तीनों कालों का, का ज्ञान रखती हूँ अभी तुम नादान हो अभी तुम्हें ज्ञान नहीं है अभी तुम जाओ और कसाई हैं, है उनके पास जाओ वो तुम्हें उपदेश करेंगे तो कसाई में क्या उपदेश वो मांस बेचते थे ऐसे ब्याध अब वो आ गए तो मानस बिक रहा था तुम अरे हम कैसी गंदी जगह भेजा उसने वापस तो को सुनो सुनो कश्यप जी सुनो उस समय फोन नहीं था वो पतिव्रता उस गृहिणी ने भेजा ना हमारे पास, पास चलो कि कोई यहां संदेश वाक नहीं दो तो ये बोल रुक जाओ हमारा ये सेवा हो जाए फिर हम आपसे बातचीत कर लेंगे अब वो मांस बेचकर अपनी दुकान बंद किए तो उनका आपको सच्ची बताना कैसे पता चला हूं बोले मैं अपने माता पिता को भगवान मानता हूँ और अपने व्यापार को उनकी पूजा मानता हूं उनके प्रभाव से मुझे तीनों काल का ज्ञान है तुम कहाँ से आ रहे हो कौन है क्या है और आओ हम तुम्हें अपनी आराधना दिखाएं तो यहां तो मांस बेचते थे घर में गए तो पलंग पे गिरदा लगा बूढ़े माता पिता जिनके शरीर कांप रहे थे वो बैठे हुए थे जाके उनके साष्टांग प्रणाम किया और उनकी सेवा बोले इनकी सेवा के बल से तो बोले मुझे ऐसा क्यों ज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा बोले तुम अपमान करके और हिलना करके अपने माता पिता के आयोजित तो कुछ तुम्हारे अनुभव में नहीं आएगा जाओ पहले माता पिता की सेवा करो तो आप सबसे प्रार्थना है सबसे बड़ा योग घर में भगवान बैठे हैं जो असमर्थ हो चुके हैं बूढ़े माता पिता उनका वचनों के द्वारा अपमान करना या जवानी के नशे में आके उन पर हाथ छोड़ देना या उनको घर से निकाल देना तो लिख लो दुर्गति पक्की कुछ भी कर ले जाके तुम इसलिए भगवान का भजन जितना बने बने नहीं हमारी सबसे प्रार्थना अगर आपके घर में बूढ़े कोई हो तो अवसर है उनकी सेवा कर लो कहीं उनके सोच धोने को मिले कपड़ा धोने को मिले उनको पैर दबाओ उनकी सेवा करो ये दूसरे भगवान का भजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनका आशीर्वाद आपको भगवत प्राप्ति के मार्ग में खड़ा कर देगा आपके सारे विघ्नों को नष्ट कर धिकार है उन पुत्रों को जो हाथ उठाते हैं अपनी माँ पे अपने बुजुर्ग पिता पे उनको रुलाते हैं आज के हमें लगता है कि नब्बे परसेंट बच्चों में ये दोष आ चुका है दस परसेंट जो थोड़ा शास्त्र स्वाध्याय या सात्विक प्रवृत्ति के उनकी जो ऐसे गंदे आहार खाते हैं नशा आदि करते हैं बेविचार आदि करते हैं उनकी क्षमता कम हो जाती है वह अपवित्र मन वाले हो तो ऐसे बूढ़े फिर कौन सी साधना करोगे घर में माँ बैठी है जो भगवान है हमारी जिसने हमें पाला पोषा उसको तो थप्पड़ मारे उसको गाली दिए कुछ नहीं बन पाएगा चाहे जो कुछ करके देख लो क्योंकि वो मां जिसने तुम्हें प्रकट किया उसका तो अपमान कर रहे। पिता ऐसे अगर सौ रुपया मिलते ना तो हम लोग नहीं जानते कि हमारे पिता के हृदय में क्या चलता है आज बच्चे को ये पवाना है आज बच्चे के लिए ये लाना है परिवार के लिए वही जब बूढ़े हुए अब तुम्हारी आवश्यकता है तुम उनको थप्पड़ मारते हो गाली देते हो अपमानजनक भैया सब योगों का योग बात गृहस्थी में हो नाम जब करो मेहनत करो पैसे कमाओ धर्म पूर्वक और अपने माता पिता की सेवा कर ले जाओ सही कहते हैं हृदय की बात कहते हैं घर बैठे भगवान आ जाएंगे घर बैठे कोई महापुरुष आ जाएगा और ऐसा मार्ग तुम्हें दे देगा हृदय में जिससे तुम माया से मुक्त हो जाओगे ये जो आज हमारे बुजुर्गों का बूढ़ों का जो अपमान हो रहा है धर्म से जो विरुद्ध आचरण हो रहे हैं इनकी सुधार की बहुत आवश्यकता है हमारे नौ युवक बहुत भटकते चले जा रहे हैं वो अब ड्रग्स ले रहे हैं तो माता पिताक सेवा करेंगे गांजा पी रहे हैं बे विचार कर रहे हैं वो माता पिता की सेवा करेंगे ये इसलिए तो हमें लगता है सबसे बड़ा योग अगर हमारी प्रार्थना माने नाम जप करते हुए और चराचर जगत में भगवान है तो मेरे माता पिता तो भगवान है ही है अगर माता पिता की सेवा कर ली तो सारे तीर्थ सारे मंदिर जाने का फल मिल जाएगा और सब जगह जाओ उन बूढ़ों को भोजन नहीं उनको गालियां अपमान तो कहीं भी जाओ ठोकर और अपराध करके आओगे और वो तुम्हारी दुर्गति कर देगा भाई ये हमारी नवयुवकों से और नवीन पीढ़ी से प्रार्थना है क्योंकि ये वचन यही नहीं आगे तक लाखों लोग सुनते हैं तो अपने माता पिता को भगवान समझे उनकी सेवा करें